सो हे गाइस, न्यूज बॉय है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हम लोग जो 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है, और जो मैंने एक और चैनल क्रिएट किया न्यूज बॉय अनफिल्टर्ड करके, तो उसको जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वहां पे काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले, वेल एडिटेड। हफ्ते में दो वीडियोस आने वाले, तो उसको जरूर से सब्सक्राइब कर देना। कल मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया, वो भी जाके देख लेना, लिंक सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अक्षय कुमार के बारे में। तो अक्षय कुमार के ऊपर में जो बहुत बड़ा एलिगेशन लगा यहाँ पे क्रिटिक ने, जिसका नाम है उमेर संधू, ठीक है। तो उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अक्षय कुमार ने जो दिशा पटानी को हैरेस किया यूएसए में, उन लोगों का एक शो था, उसी के रिहर्सल के दौरान। इसके बाद दिशा पटानी स्टेज छोड़कर होटल रूम में चली गई, ऐसे करके उन्होंने ट्वीट कर दिया। बता दो यहाँ पे उमेर संधू को जो काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, लोग ये बोल रहे हैं कि अक्षय कुमार ये नहीं कर सकते ना, एंड अक्षय कुमार जो इनके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए, डिफेमेशन केस कर देना चाहिए, ऐसे जो बहुत सारे ट्वीट्स के रिप्लाईज वगैरह है। उसके बाद बता दो बहुत सारे आर्टिकल्स में न्यूज आने लग गया है ना, और जो बॉलीवुड के जो न्यूज वगैरह देते हैं ट्विटर वगैरह में, वो लोग भी जो ट्वीट करने लगे और भी बड़ा चढ़ाकर, ये बताते हुए कि अक्षय कुमार जो उस टाइम पे ड्रंक थे, यस, यहाँ पे बॉलीवुड की न्यूज करके एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने ट्वीट किया था। इसके बाद जो केआरके उसका रिप्लाई किया, फर्स्ट थिंग अक्षय कुमार डज नॉट ड्रिंक, सेकंड थिंग अक्षय कुमार कैन नेवर डू सच थिंग्स, सो आई थिंक दिशा पटानी इज एक्यूजिंग हिम फॉर पब्लिसिटी ओनली। एंड केआरके का भाई कुछ अलग ही नशा, दिशा पटानी ने तो एक्यूज किया ही नहीं है, वो ट्वीट से रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह आने लग गए न्यूज वगैरह में, एंड उमेर संधू को तो हेट पड़ ही रहा। बाकी क्या आप लोगों को लगता है कि अक्षय कुमार ऐसा कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, सच तक न्यूज के ओनर मनीष कश्यप के बारे में। तो बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर दिया। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आपको पता, आपने रिसेंटली न्यूज सुना होगा कि तमिलनाडु में जो है बिहार के लोगों को वहाँ के लोकल्स मार रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग जो बिहारी है, तो उसी चीज को जो उनके चैनल पर कवर किया गया था, तो उसी की वजह से उनके ऊपर से एफआईआर दर्ज कर दिया गया फॉर पोस्टिंग फेक वीडियो। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जो इन्वेस्टिगेशन के लिए तमिलनाडु भी भेजा था कुछ लोगों को, एंड उनको पता चला कि जितना भी न्यूज वगैरह सर्कुलेट हो रहा है ना, वो सब जो है फेक है, तो इसीलिए उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज कर दिया गया। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए अपने चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड किया, मैं आपको एकदम छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। अपने आप को गरीबों का नेता बताने वाले तेजस्वी यादव जी को मजदूरों के लिए मेरा आवाज उठाना पसंद नहीं है, इसलिए बिहार पुलिस ने मेरे ऊपर एफआईआर किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिला है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने पहला वीडियो जो है वो 1 तारीख को बनाया था, दूसरा वीडियो 2 तारीख को, और उसके बाद से मैंने कंटिन्यू वीडियो बनाया था। लेकिन मेरा जितना भी वीडियो है वो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, कहीं भी मार काट वाला वीडियो का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, और ना ही तमिलनाडु के लोगों को मैंने भला बुरा बोला है, और मुझे तमिलनाडु से मतलब ही नहीं है, मैंने बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाया है। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क ने जो एक और खतरनाक चीज कर दिया, तो इलॉन मस्क ने जो ट्विटर के जितने भी मैनेजर्स हैं ना, उनसे बेस्ट एम्प्लॉइज के नाम निकाले, ठीक है। एंड बाद में उन्होंने क्या किया कि वो सारे मैनेजर्स को वो निकाल दिए, एंड जो बेस्ट एम्प्लॉइज मैनेजर्स ने सजेस्ट किया था उनको उन्होंने हायर कर लिया। भाई क्या ही खतरनाक है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो मिस्टर इंडियन हैकर जो एक यूट्यूबर को स्ट्राइक मारने की कोशिश किए थे, जिसका नाम है टेक चैंपियन सपोर्ट। उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पे वो जो मिस्टर इंडियन हैकर से मिलने गए थे, मिस्टर इंडियन हैकर उनसे नहीं मिले थे ना, तो उनके अगेंस्ट में वो वीडियो बनाए थे। तो उसी वीडियो को जो मिस्टर इंडियन हैकर हटाना चाहते हैं, वो भी एक कंपनी के थ्रू हटाना चाहते हैं, लेकिन यूट्यूब ने उसे स्ट्राइक मारने से मना कर दिया, क्योंकि उनका वीडियो जो फेयर यूज के अंडर में आता था। सो टेक चैंपियन सपोर्ट जो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गया अपने वीडियो में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, मैक्सटन के बारे में। तो मैक्सटन ने यूट्यूब शॉर्ट्स से रिलेटेड एक ट्वीट किया था, जहाँ पे बताया था कि यूट्यूब शॉर्ट्स का जो एक अलग ऐप होना चाहिए, फिर वो लिखे प्लीज यूट्यूब डोंट किल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। इसके नीचे खतरनाक किसान रिप्लाई, सही है YouTube Shorts, इट इज क्रिएटर जॉब टू कन्वर्ट देम टू सब्सक्राइबर्स। सबसे पहले व्यूअर्स आते हैं, उसके बाद बाकी सब। यहाँ पे होता है कि YouTube पे जो शॉर्ट्स है वो ठीक है, इससे क्या होगा कि YouTube के और यूजर्स बढ़ेंगे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के बारे में। तो इनके वीडियो में काफी देखता था पहले, बता दूं पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगता है इनका ऐप, मैं अभी भी यूज करता हूँ गीगल। तो इन्होंने जो फाइनली अपना फेस रिवील कर दिया, ऐसा पूरा फेस रिवील अनाउंस करके उन्होंने नहीं किया, उन्होंने रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे उन्होंने फेस कैम किया, अभी आप उनका फेस भी देख रहे होंगे। अगर आप उनका वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, ज्ञान थेरेपी के बारे में। आपने ऐसा टाइप के कमेंट्स देखा होगा है ना, आप देख सकते हो, जहाँ पे लोग बता रहे कि सस्ते दाम में जो आपको फॉलोअर्स लाइक्स व्यूज मिल जाएंगे, ट्विटर पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, बेसिकली फॉलोअर्स एंड लाइक्स बेच रहे हो। तो इससे रिलेटेड ज्ञान थेरेपी एक ट्वीट किया था, जहाँ पे वो बताया कि आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो ऐसे ही पैसे कमा रहे, फेक व्यूज फेक लाइक फेक कमेंट्स वगैरह लेके। ऑफ कोर्स यार, ब्रांड को क्या चाहिए होता है, व्यूज चाहिए होता है, लाइक्स चाहिए होता है, एंड वो उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में देखते हैं, एंड इसके बाद ब्रांड उनसे प्रमोशन भी करा लेती है, एंड वो क्या करते हैं उसी पैसे में से थोड़ा पैसा यूज करके फिर से फेक व्यूज फेक लाइक्स वगैरह लेते हैं। आजकल होता है भाई ऐसा बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे रियल है यार, अगर यकीन नहीं होता तो लाइक्स देख लो, आज 1 लाख कर देंगे मुझे पता है। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, संदीप महेश्वरी के बारे में। तो संदीप महेश्वरी शो में नेक्स्ट गेस्ट होने वाले कपिल शर्मा, यस, उनका आपको बता हुआ जुगेटो करके एक फिल्म आ रहा है, उसी के प्रमोशन के लिए आए होंगे आई गेस। बाकी यस, फिर भी बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि संदीप महेश्वरी शो में कपिल शर्मा आ रहे हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा शो चलाते हैं ना। और संदीप महेश्वरी के शो में जो कैरी मिनाटी आए थे, उसका जो एपिसोड आउट हो चुका है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, साहिल अहमद खान के बारे में। शाहरुख खान से रिलेटेड कंटेंट वगैरह डालते थे अपने चैनल पर, जैसे कि शाहरुख खान का कोई
मूवी आ गया या फिर शाहरुख खान के बारे में कुछ हो गया तो वो सबसे पहले डाल देते हैं अपडेट, ठीक है। तो रिसेंटली इनको जो काफी सारे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ी है, किसके तरफ से? रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की तरफ से, शाहरुख खान का जो प्रोडक्शन कंपनी है, ऑल्सो YRF ने जो स्ट्राइक मार दिया, और भी एक दो कंपनीज ने स्ट्राइक मारा उनको, जिससे क्या होगा कि उनका चैनल भी डेंजर जोन में, आपको पता होगा 3 स्ट्राइक अगर पड़ता है फिर चैनल डिलीट हो जाता है, इससे रिलेटेड वो ट्वीट्स वगैरह भी किया। अगर आप रीट्वीट करना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।